को गिलगित बल्तिस्तान ही लेकर चलते हैं, जहाँ पर SCO बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और वो वहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट और स्मार्ट टीवी की सहूलियात तो फराहम कर ही रहा है। सार्फिन की खिदमत के अलावा वहाँ पर मवासलाती खिदमत में भी सर-ए-फहरिस्त है और वहाँ पर IT सेंटर्स, फ्रीलांस ट्रेनिंग और फ्रीलांस ट्रेनिंग के बाद नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करने में भी SCO सर-ए-फहरिस्त है। बिल्कुल ऐसे ही। और हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हुंजा में चेरी फेस्टिवल के हवाले से, हमारे पास रिपोर्ट है सीमा किरण की, आइए चल के वो देखते हैं। एंड दिस स्पेशल सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय SCO व्हिच इज स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुमाल पाकिस्तान जितना खूबसूरत है उतना ही कुदरती वसाइल से माला माल है। ज़री शोबे की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चेरी इस खित्ते में पाए जाते हैं। मिलावट से पाक और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के बगैर तैयार होने वाले चेरी अब एक मुआहदे के तहत चीन बरामद किए जाएंगे, जिससे ना सिर्फ मुआशी हालत में मज़ीद बेहतरी आएगी बल्कि एग्री टूरिज़म यानी ज़री सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। इस नए मुआहदे को फ़रोग़ देने के लिए पहली बार हुंजा में बाकायदा चेरी फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जहां दुनिया भर से सयाहों ने शिरकत की और इसको खूब सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 2 रोज़ा चेरी का ये जो गाला रखा है, जो फेस्टिवल रखा है, ये इसका मकसद ये है कि जो हुंजा की चेरी है इसको प्रमोट किया जाए। जो फार्मर्स को जो मिडिल मैन की वजह से जो नुकसान पहुंच रहा है उससे बचा जाए। और गालिबन ये इस जगह में हो रही है जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं। Okay, so my name is Vicki Allison. I'm here from the United States. This is my first time in Hunza to the Cherry Festival. And here in Hunza, you're very famous for cherries. We've seen the orchards all around. And I've learned from her that we have different types of cherries. We have these cherries, we have the larger cherries, we have the dried cherries, which are sometimes used with rice for cooking, and the rest are used for eating. And you're also very famous for apricots. Everywhere in the world, this area is famous for apricots. I did not know you were so famous for cherries. So it's very exciting to be here for the Hunza Cherry Festival. And everybody in Pakistan, whoa, is very welcoming. So we thank everybody here. Thank you very much. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। हमारा फर्स्ट ट्रिप है हुंजा का। बाकी पाकिस्तान की बहुत जगह देखी बट हुंजा हैज़ बीन very exclusive and very different in every respect, and these stalls are very interesting. हम cherries try कर रहे हैं, बहुत मज़े की हैं। locally grown चीज़ होती है, उसका मज़ा ही और होता है खाने का। और it's very nice place, very nice weather, and we are having a very good time. Thank you. How nice, interesting। और हम चेरीज़ की बात करें तो चेरीज़ के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इट्स फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आपको नींद का ज़रा इशू है तो उसमें भी ये बहुत हेल्प आउट करती है, स्किन को बेहतर करती है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो इतने मज़े की वहाँ की वाइफ है। वेरी नाइस। जैसे यहाँ पर पंजाब में बहुत सारे मैंगो फेस्टिवल्स और यहाँ पर इस तरह से पार्टी लोकल है ना, वहाँ पर चेरी फेस्टिवल्स होते हैं। एप्रिकॉट चमूस का वो बड़ा वहाँ पर ट्रेंड है। तो वहाँ की जो जो स्पेशलिटीज़ है ना, मेरे मुँह में पानी आ जाता है जब भी मैं बात। ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि वहाँ के जितने लोकल्स हैं ना उनके लिए एक अर्निंग का भी एक बहुत अच्छा जरिया है। सो दैट्स ग्रेट एंड यू शुड सपोर्ट लोकल प्रोडक्ट्स।